नमस्कार, सिटी बिग न्यूज पर आप जुड़ चुके हैं साक्षी सोनी के साथ। आप सभी को पता है कि कल राष्ट्रपति के साइन होने के बाद 3 बिल जो है कानून के अंदर तब्दील हो चुके हैं। आज हिसार के अंदर जो है 17 संगठनों ने मिलकर मीटिंग की है। आगे की रणनीति किसानों की किस प्रकार की रहने वाली है, क्योंकि सरकार को देखकर बिल्कुल भी नहीं लग रहा कि जो 3 बिल है अब वो कानून में तब्दील होने के बाद दोबारा से वापिस लिए जाएंगे। 25 सितंबर को भारत बंद किया गया था, तो जो भारत बंद के बाद अनिल विज का सर बयान आया था कि मुझे कहीं पर भी जो भारत है वो बंद देखने को नहीं मिला है, तो इसके ऊपर आपका क्या कहना है? इसके ऊपर ये सरकार तो कहेगी, ये तो पहले भी कह रहे थे लाठीचार्ज हुआ ही नहीं, और एक दिन का मंत्री कह रहा है कि भैया लाठीचार्ज हुआ और लेकिन वो अनुचित था, ठीक नहीं था। ये तो ऐसे झूठ बोलते रहते सरकार है इनकी, इनका क्या है? हरियाणा के अंदर क्या सर, पंजाब के अंदर, पूरी अपने हिंदुस्तान के अंदर ये बंद था और पूर्ण सफल रहा है, बिल्कुल सभी किसानों का, सभी व्यापारी वर्ग का, सभी का साथ है हमारे साथ। आप कह रहे हैं कि जो 25 सितंबर को भारत बंद का आह्वान किया गया था वो सफल रहा है, लेकिन गृह मंत्री अनिल विज की माने तो उनका कहना है कि भारत बंद का जो आप लोगों ने आंदोलन चलाया था वो बिल्कुल फेल रहा है। ना ना, बिल्कुल गलत बात है, बिल्कुल सफल रहा है। आप देखो पूरे हरियाणा से कितने किसान नेता आए हुए हमारे सारे, और ये 17 संगठन है। ये देखो 17 संगठन का, तो मैं अलग अलग से नाम बताऊं इनके, नाम बताता हूं आपको। जैसे भारतीय किसान यूनियन अम्बावता से दिलबाग सिंह हुड्डा, मैं प्रदेश महासचिव हूं, हमारे राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सत्यवीर पुनिया जी हैं और अन्य नेतागण हैं। जैसे भारतीय किसान यूनियन जो गुरुनाम चुडुनू जी हैं, उनका यह मैसेज आ गया था कि भाई मैं पहुंच नहीं सकता किसी कारणवश, तो वो आज इसमें। तो सर, आज जो 17 संगठनों की मीटिंग की गई है, इसके अंदर क्या रणनीति बनाई है आपने आगे के लिए? रणनीति मैडम ये है, आज की तो सभी संगठनों ने इकट्ठा होकर के बिल्कुल ये 100% निर्णय ले लिया कि सरकार के साथ दो हाथ करेंगे, आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। हम 6 तारीख को दुष्यंत चौटाला और इनके जो चाचा हैं बिजली मंत्री चौरी रणजीत सिंह, उन्हीं कोठिया घेराव करेंगे और वहाँ पूरा दबाव बनाया जाएगा। जैसे पंजाब के अंदर अभी सभी ने अस्तिपत दे दिया ना, हरसिमरत कौर वहाँ से सेंटर की मिनिस्टर थी, उन्हें दे दिया। बादल के रूप ने अलग से आपका वापिस ले लिया, 22 साल पुराना भाईचारा उन्हें खत्म कर दिया इस बात से। तो किसानों के साथ अगर ये हैं, इतने हैं, तो इन्हें अस्तिपत देना चाहिए, हमारे साथ आगे खड़े हुए। जैसे हम हमारे सारे किसान संगठन पूरा पूरा हरियाणा पूरा पंजाब रोड के ऊपर है किसान सारे के सारे। तो आपसे जानना चाहूंगी कि अकाली दल ने अपना भाजपा से समर्थन वापस ले लिया है, तो इसका जो है हरियाणा की राजनीति के ऊपर कितना असर पड़ने वाला है? इसका बहुत ज्यादा असर पड़ने वाला है जी। जदपा और जो भाजपा की हरियाणा के अंदर सरकार है, इसके कई विधायकों ने, भारतीय किसान यूनियन के जितने भी 17-18 संगठन हैं, इनके जो धरना प्रदर्शन चले हुए हैं हरियाणा प्रदेश में, उन सभी के धरना प्रदर्शन में शामिल होने का काम किया। टोहाना से देवेंद्र बबली जी हैं, बरवाड़ा से जो विधायक जी हैं जोगी राम जी सिहाग साहब हैं, या जो 15-17 दर्जन के लगभग जो पूर्व विधायक हैं जो भाजपा में शामिल हैं, उन सभी ने भी अपने अपने लेवल पर के मीटिंगें करनी शुरू कर दी हैं। वो किसान के साथ हैं, ना कि सरकार संगठन के साथ हैं, किसान यूनियन के या किसान संगठनों के साथ। उनका अपना एक है भी, वो जो किसान धरना प्रदर्शन करेंगे उनमें शामिल होंगे आने वाले समय में, जो आने वाले समय में जो MSP पर जो सरकार खरीद ना करेगी मंडियों के अंदर। ये 17-18 जो संगठन आज आपके सामने हैं, ये सभी संगठन अनाज मंडी के अंदर जाकर के धरना प्रदर्शन करेंगे, सरकार का विरोध करेंगे। तीनों अध्यादेशों के अलावा जो MSP पर खरीद की गारंटी है, उसको जो कानून सरकार तब तक नहीं बना देती जब तक ये सारे के सारे संगठन हरियाणा प्रदेश के इसको एक आंदोलन को उग्र रूप देने का काम करेंगे। साथ लगते हुए पंजाब, राजस्थान, UP व अन्य प्रदेशों के किसान भी इस मुहिम में हरियाणा प्रदेश के किसानों के साथ जुड़े हुए हैं। ये मुहिम आज लगातार जारी रहेगी, ये खत्म होने का कोई इसका नाम नहीं है। ये आंदोलन अब उग्र रूप धारण कर चुका है, ये एक विकराल रूप करेगा, और ये जब तक आंदोलन जारी रहेगा तब तक ये निरंकुश सरकार इन तीनों अध्यादेशों को वापस ना ले लेती। अच्छा, जब तक 3 अध्यादेश वापस नहीं होते तब तक आपका आंदोलन यूं ही बरकरार रहने वाला है जी। सर, मैं आपसे जानना चाहूंगी कि परसों जो है 2 दिन पहले JJP के जो हमारे उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला यहाँ पर पहुंचे थे, किसान और PTI टीचर जो है उनका काफी देर से इंतजार कर रहे थे, लेकिन वो आए भी पीछे के गेट से और चले भी पीछे के गेट से गए, तो क्या लगता है कि उनका ध्यान नहीं है किसानों की तरफ? ऐसा है जी, केवल दुष्यंत चौटाला की बात नहीं है, आप JP दलाल को देखो, कृषि मंत्री का, जो भी JJP या BJP या जो भी किसान के खिलाफ है कोई MLA, किसान के पक्ष में नहीं बोल रहा है। आने वाले दिनों में किसी गांव में किसी ऑफिस में उनको बढ़ने नहीं दिया जाएगा। और दूसरी बात यह है कि आज का जो मुख्य एजेंडा हमारी मीटिंग का, 6 तारीख ने दुष्यंत चौटाला के घर जावांगे, वो तो हमारा तो लुकदा हंड है, और हम ही उसके घर जावांगे, और जो चौधरी रणजीत सिंह हैं उनके घर पर जावांगे,
क्योंकि दोनों के जो राजनीति करते हैं ना, किसान के नाम पर राजनीति कर रहे हैं और उनका घेराव करके पूरे हरियाणा के जो 17 किसान संगठन आप देख रहे हो, पूरा जो आंदोलन जो चल रहा है उसके जो कर्ता धर्ता जो लोग हैं वो आपके सामने खड़े हैं और उन सब ने फैसला किया है कि 6 तारीख ने पूरी ताकत से उनका घेराव करेंगे और उनको मजबूर करेंगे इस सरकार से इस्तीफा देके किसाना बीच में आवे, नहीं तो ऐसा काम हो जाएगा, राह पर चलता हंडी जाएगा, कोई उनका वोटर का जोड़ा ठनिया नहीं पाओगा, उनका हालचाल जाननिया नहीं। आपको क्या लगता है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला की जो है सरकार में चलती नहीं है या फिर वो अपनी चलाना नहीं चाहते हैं? सरकार में उप मुख्यमंत्री की नहीं चलाया करती तो और किसकी चलेगी, जिसमें तो ये तो पूरा मैंडेट नहीं है। इसमें दुष्यंत चौटाला चाहे तो आज वापस ले लो इस्तीफा तो सरकार गिर जाएगी, और सरकार पंजाब में तो हालत इनकी खराब हो रही, हरियाणा में खराब हो जाए तो फिर दिल्ली में कुछ है ही नहीं, तो इसका जो प्रभाव पड़ेगा उसका पूरा देश की राजनीति के ऊपर पड़ेगा। अगर दुष्यंत चौटाला चाहे तो किसानों का साथ दे सकता है और इसका पूरा दबाव केंद्र सरकार के ऊपर पड़ सकता है। सर आपसे जानना चाहूंगी कि कुछ लोग कह रहे हैं कि आप लोग सिर्फ जेजेपी को क्यों घेर रहे हैं, क्योंकि जो केंद्र के अंदर सरकार है वो बीजेपी की है, केंद्र की तरफ से ये कानून लाया गया है, तो क्या आप लोग केंद्र की सरकार को घेरने का काम नहीं कर रहे हैं? ऐसा है, पहले तो हमने अभी 17 संगठन जो हरियाणा के अंदर जो काम कर रहे थे इसके अंदर आज हमारी मीटिंग जो थी 17 संगठनों की है, पर ऐसे करने के बाद आगे हमारा जो 6 तारीख को जो है इसमें सिरसा के अंदर जो है हम बहुत बड़ा एक जो है आंदोलन कर रहे हैं और उसका ग्रो भी दुष्यंत चौटाला का हम ग्रो करेंगे, उसके बाद जो हमारी रणनीति है वो हमारी सेंटर में ही जाएगी आगे की सलाह करके, हम सेंटर के अंदर ही जो है इसका ग्रो जो है प्रधान मोदी जी का हम जो है इनका ही ग्रो करेंगे आगे संसद के अंदर जाकर। क्या लगता है 3 अध्यादेश जो बिल बने उसके बाद अब कानून में तब्दील हो चुके हैं, कानून बनने के बाद एक बार वापस लेना क्या लगता है कितना मुश्किल होने वाला है? आपको ये पता है कि आज हरियाणा का ऑल इंडिया का बच्चा जो है वो इसको 3 अध्यादेश कानूनों को जान चुका है कि ये किसान विरोधी है और आज सड़क पे है, इनको लेना पड़ेगा। आगे भी इन्होंने जो है बीमा पॉलिसी जो है वो करी थी और वो हमने वापस करवाई है सारे संगठनों ने मिलकर, ऑल इंडिया के जो जब सेंटर की बात जाएगी तो इनको लेना पड़ेगा, नहीं लड़ना पड़ेगा तो भाई ये आर पार की लड़ाई है, हम तो सारे के सारे मरने तरने के लिए तैयार बैठे। सर आपसे जानना चाहूंगी कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल का कहना है कि किसान जो है वो तो खेत के अंदर कटाई कर रहे हैं, जो बाहर सड़कों के ऊपर प्रदर्शन कर रहे हैं वो राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, तो क्या लगता है आपको कि कितने जो किसान हैं वो 25 सितंबर को सड़कों पर उतरे थे? मुख्यमंत्री जी और जो बीजेपी के लोग हैं हरियाणा के, इन लोगों को पकी पकाई मिली है, मोदी के नाम से इनको वोट मिल गया, गांव में लोग इनको जानते नहीं है, इनको यही नहीं पता किसान कौन होता है और पार्टी के लोग कौन है, इनको कुछ नहीं पता है। असल में आपने मीडिया ने सबने देखा लाखों की संख्या के अंदर जो किसान सड़कों के ऊपर आया, जो खेतों में काम करता है अपना हल छोड़कर इन अध्यादेशों के खिलाफ सड़कों के ऊपर आया है और आगे भी जो अभी पूरे देश के अंदर जो है आंदोलन बहुत बड़ा रूप ले रहा है, 6 तारीख को सिरसा के अंदर इनका हम घेराव करेंगे और दिल्ली के अंदर पूरे मूवमेंट जो है अभी बनेगी पूरे सभी राज्यों की और दिल्ली की तरफ किसान जो है वो देश का कूच करेगा, तब मुख्यमंत्री जी आके देख लें वहाँ खुद पे कि ये किसान है कि राजनीतिक पार्टी के लोग हैं, क्योंकि किसान अपना दर्द जानता है और किसान को इन्होंने जो पीठ में छुरा घोंपने का काम किया है उसके विरोध में आज किसान जो है सड़कों पर आ रहा है और उसके साथ नौजवान मजदूर सारे जो जितने भी देश का हर एक नागरिक जो है आज की इस मूवमेंट के अंदर खड़ा है, इस आंदोलन के साथ खड़ा है, क्योंकि ये जो लड़ाई है वो कॉरपोरेट घरानों के खिलाफ आम जनता की लड़ाई है, ये देश को बेचने का काम कर रहे हैं, इसलिए पूरे देश के अंदर आज ये बड़ा आंदोलन है। दिलबाग जी एक बार मैं फिर आपसे जानना चाहूंगी कि 25 सितंबर को जो भारत बंद था उसके अंदर आप लोगों ने कहा था कि व्यापार मंडल भी आपके साथ है, लेकिन जब दुकानें बंद करने की बात आई तो वहां पर जो व्यापारी है उन्होंने दुकान बंद करने से मना कर दिया था, तो क्या लगता है आपको जो व्यापारी है और आढ़ती है वो भी अपनी राजनीति आप लोगों के जरिए खेलने का काम कर रहे हैं? नहीं देखो ऐसा है, देखो वो तो दुकानों वाली जो बात थी ना, कुछ तो उसमें बीजेपी के लोग हैं, जैसे सभी पार्टी में लोग हैं, जो बीजेपी के हैं वो थोड़ा सा आनाकानी कर रहे थे, हमने कोई विरोध नहीं किया, हमने तो हाथ जोड़ के रिक्वेस्ट की थी आप हमारा साथ दें भाई, किसान का और व्यापारी और आड़ती का तो चोली दामन का संबंध है, बेटी रोटी का संबंध है, तो हम दोनों समझा रहे थे, इक्का दुक्का आदमी ऐसा भी आया था जिन्होंने बंद नहीं की, हम ये नहीं कहते, लेकिन लगभग बाजार बंद हो गया था, माननी थी उन्होंने। अनाज मंडी की बात करें तो कितनी बंद देखने को मिली आपको? अनाज मंडी तो लगभग बंद थी, सभी बंद थी, कोई इक्का दुक्का बेसिकली सारी बंद थी, टोटली कोई भी अनाज मंडी खुली नहीं थी। सर आपसे जानना चाहेंगे कि इन 3 अध्यादेशों का क्या लगता है आपको आम आदमी के ऊपर कितना असर पड़ने वाला है? आम आदमी पिस जाएगा, खत्म हो जाएगा, जो इन्होंने स्टॉक सीमा तोड़ी है आम आदमी के लिए ही तोड़ी है, जिस
एक रुपए की चीज़ खरीदेंगे 100 रुपए की बेचेंगे प्राइवेट वाले, सरकार क्यों नहीं खरीदती? सरकार ने जो कानून बनाया है ये सिर्फ आम आदमी, किसान, छोटा व्यापारी, दुकानदार सभी को मारने के लिए बनाया। दूसरा मैं कह रहा हूँ, आपने क्वेश्चन किया था प्रहलाद जी को, भाई वो सियासत कहते हैं, अभी किसान तो खेतों में है, वो जो सड़कों पे है वो सियासत है। हम दिल्ली जाएंगे, सियासत भी करेंगे, किसान के बेटे हैं, किसान के बेटे रहेंगे। अब जो 150 बच्चा किसान का एमपी बना बैठा है, उनकी भी बाहें पकड़ पकड़ के निकालेंगे, और जो मोदी है और जो अमित है और जो राजनाथ है और जो तोमर साहब बैठे हैं मंत्री बने, उनको भी गले पकड़ पकड़ के निकालेंगे, अंदर से लोकसभा से निकालेंगे, वहाँ किसान बैठेंगे, किसान राज करेगा, 70% आबादी किसान की है, सियासत भी करेंगे, खेती भी करेंगे। यानी कि किसी भी कीमत पर है, जो आप लोग पीछे हटने वाले नहीं है? पीछे हटने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता, मगर जितने कानून बनाए, ये एक कानून, एक अध्यादेश से जो 3 कानून पास इन्होंने करवा दिए, धक्के से करवा, राज्यसभा में बिल्कुल धक्का किया। पूंजीवाद का गुलाम बनाने की योजना चल रही है, किसान को नहीं बनने देंगे, ना बनेगा, और जैसा भी चाहेंगे वो कहेंगे ना भी हम किसान सियासत करता है, बिल्कुल अड़के सियासत करेंगे और जाएंगे दिल्ली तक जाएंगे। क्यों नहीं करने देते सियासत में? वो साथ में लेके जन्मे हैं क्या सियासत? हम नहीं जन्मे, हम भारत के वासी नहीं है, क्यों नहीं करने देते? हम सियासत भी करेंगे, खेती भी करेंगे और वहां से पकड़ के निकालेंगे भी। सर कभी ऐसा हुआ तो नहीं है कि कानून बनने के बाद दोबारा से वापस लिया गया हो? अगर सरकार आपके सामने कुछ शर्तें रख देती है या उसके अंदर अमेंडमेंट करने का काम करती है, कुछ ठीक करने का काम करती है, तो किन शर्तों के ऊपर आप सरकार से संवाद साध पाएंगे? एक भी शर्त नहीं मानेंगे, एक भी अमेंडमेंट नहीं मानेंगे, एक कोई सुधार नहीं मानेंगे उसमें, एक ही चीज़ मानेंगे, वो तीनों कानून जो इन्होंने लागू किए हैं वापस हों। और आप कहते हो भी नहीं कभी कानून वापस हुआ, तो 2015 में लैंड एक्विजिशन बिल आया था और बिल पास नहीं करने दिया और बिल वापस हुआ है, वो लैंड एक्विजिशन बिल नहीं चला, अभी भी 2013 वाला चल रहा है, और धक्के से किसानों की ज़मीनें अधिग्रहण कर रहे हैं 2015 वाले अपने कानून से। मगर जब हम कोर्ट में जाएंगे 2013 वाला कीमत हमें मिलेगी, 10 साल का ठेका मिलेगा किसान को उसी लैंड जमीन का, और वो सब कुछ होगा, मगर इनको इन गद्दी पे चैन से सोने नहीं देंगे जब तक ये 3 कानून वापस नहीं लें। तो ये थे हमारे साथ 17 संगठन के प्रधान यहाँ पर मौजूद थे, आज इनकी यहाँ पर मीटिंग हुई है। मीटिंग के अंदर ये निकल कर आया है कि 6 तारीख को, 6 अक्टूबर को जो है उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला और बिजली मंत्री रणजीत चौटाला के घर का घेराव किया जाएगा। अगर उसके बाद भी ये लोग नहीं मानते हैं तो बड़े ऊँचे लेवल के ऊपर इनका जो प्रदर्शन है वो इसी तरीके से जारी रहेगा। पहले तो कहा जा रहा था कि एमएसपी का एक और कानून बना दिया जाए तो ये लोग संतुष्ट हो जाएंगे, लेकिन अब ये लोग इतने क्रोधित हो चुके हैं, किसान इतना क्रोधित हो चुका है, किसानों का कहना है कि अब तीनों के तीनों अध्यादेश सरकार को वापस लेने ही पड़ेंगे, क्योंकि अभी हरियाणा और पंजाब के किसान इस समर्थन के अंदर जुटे हुए हैं, थोड़े समय बाद और स्टेट्स के जो किसान है वो इसके अंदर जुड़ने वाले हैं। तो ये जो किसानों का मुद्दा है वो तुल पकड़ता जा रहा है और बड़े लेवल के ऊपर आंदोलन करने की तैयारी जो है किसानों की तरफ से लगातार की जा रही है। इसी तरीके की अपडेट से जुड़े रहने के लिए आप देखते रहिए सिटी बिग न्यूज़। नमस्कार।